अच्छा भैया ये बताओ, ये जो आपकी दुकान के आगे कचरा पड़ा है, ये कागज है आपके, ग्राहक इसको छोड़ देते होंगे ना, तो ये आप उठवाते नहीं हो? उठवाते ना भैया। कहाँ उठवाया आपने? उठवाएंगे ना। तो कब उठवाओगे, रात को? दिन भर ऐसे ही रहेगा? हमारे यहाँ थोड़ी नहीं हुआ दादा, उनके थोड़ी हो गए ना भाई। इधर आओ। अच्छा एक मिनट साथ में आओ। क्या नाम है आपका? शंभूलाल गुजर। शंभूलाल गुजर, ये दुकान अपनी है भैया, अब उठा रहे हैं। अब आप ये बोल रहे हो कि ये इनका है? भैया इधर आना एक मिनट, ये कचरा। अरे एक मिनट आओ, वो वहाँ क्यों? नहीं नहीं मुझे बताओ, ये आपका और इनका डिसाइड कैसे होगा, ये किसका है? क्या कचरा? अलग अलग पेटी लगी है ना, उनकी अलग रखी है, हमारी अलग रखी है। ये ग्राहक यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ आकर फेंक देंगे। कहते हैं आप खाइए और कचरे में यहाँ डालिए, हमने यहाँ वो लगा रखा है वहाँ पे आप। और आप मतलब इन्होंने नहीं नहीं फेंका, नहीं वहाँ फेंका। तो अब जैसे ये भी पड़ा है, नहीं तो आप ही आदमी आता है भैया, आप कैसे कैसे डिसाइड होगा कि किसका कचरा है? अरे मालिक हम इकट्ठा करवा देंगे उनको। करवाएंगे कब? करवाते हैं आप? वैसे डालेंगे वैसे डाल देते हैं, अभी आज गिराकी के टाइम है। क्या रहता है? गिराकी के टाइम है तो कचरा होने दो। कचरा नहीं होने दो, ग्राहक है, ग्राहक ने कचरा नीचे फेंक दिया। हम उनको बोलते हैं डब्बे में डाल दीजिए, ठीक है? अगर नहीं डाला उनने तो हमारा लड़का है, थोड़ी देर में जाके उसको उठा लेता है, हर पाँच पाँच सात सात दस दस मिनट में जाके हम कचरा। आपने यहाँ कहीं लिखा है कि ये डस्टबिन में कचरा डालें? कहीं ऐसा लिखा आपने? लिखा हुआ टूट गया, हट गया। नया लिखवाना था, नया लिखवाना था अपने। बनने दिए हैं और लग जाएंगे। देखो आप इस वक्त पाटनीपुरा चौराहे पर हो और सबसे ज्यादा गंदगी की शिकायत यहीं से आती है, और ये अभी मैंने मेरे पास तो रिकॉर्ड है, आपके सामने इतना गंदगी पड़ी है। दो चार कागज थे? नहीं दो चार कागज नहीं थे, वो तो रिकॉर्डेड है, बात एक कागज की भी है। तो आप ये कह रहे हो मेरा नहीं है उसका है, ये गलत है। आपको सफाई रखना चाहिए कि नहीं? ठीक है, रखना चाहिए। अगर ग्राहक फेंक रहा सड़क पे तो आप टोको उसको, और अगर नहीं टोक सकते तो वो उठा के अपन उसमें डालो, है ना? डालते हैं भाई। मैं आपको गलत चीज तो नहीं टोक रहा हूँ, गलत टोक रहा हूँ तो बोलो। सफाई की है ना भाई, सफाई की सभी को बराबर जिम्मेदारी है ना, तो थोड़ा समझदारी अपने को दिखानी चाहिए, है ना? और ग्राहकों को भी समझाओ कि भैया ऐसे मत फेंको, ऐसे सड़क पे कागज उठा के फेंक देंगे तो फिर उसमें बदनामी आपकी हो रही है। ऐसे तो बोलते रहते सर, नहीं नहीं ज्यादा बोल लो, टोको ऐसे आदमी को मत दो आप। हरदम टोको, हरदम टोको, जैसे मास्क के लिए टोको भी। सालन को नहीं नहीं मारो, ये तो गलत हो गई ना बात, मारो तो फिर आप यहाँ दुकान कैसे चलाओगे? ये कानूनी अपराध हो गए। हाँ वो अपन दो गलती कर गए, एक तो करी गए दूसरी भी कर गए। हिंदुस्तान की जनता टोको नहीं नहीं सुधरेगी, नहीं नहीं कोशिश तो करो। एक चीज मेरे को बताओ, एक चीज मुझे बताए आप, इंदौर पहले क्या था और आज क्या? फिर आप इधर का चेहरा करें, इंदौर बदले भी अपन ही ने, अपन बदलेंगे तो जग बदलेगा, अपन नहीं बदलेंगे तो जग भी नहीं बदलेगा। हम भी अगर ये देख के आगे निकल जाएंगे तो हमने आपको टोका तो आप में जागरूकता आएगी, आप आगे कस्टमर को टोकेंगे, तो ये जरूरी है। हर चीज अपने को टोकना अनिवार्य है, जितना व्यापार जरूरी उतनी सफाई भी जरूरी है, और सफाई होगी तो अच्छे ग्राहक भी आएंगे, अच्छे ग्राहक आएंगे, है ना? और चलिए ध्यान रखिएगा, है ना? ध्यान रखिए, गंदगी ना हो और कुछ नहीं। चलिए ठीक है।